नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ साक्षी। पंजाब की कैप्टन सरकार घर घर नौकरी देने का ढिंढोरा पीटती है, मगर सरकार के 4 साल के कार्यकाल में पढ़े लिखे नौजवान खेती में मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। जिले के गांव वीर खुर्द में 2 नौजवान बीएड, बीटेक और टेट क्लियर हैं, मगर कई वर्षों से नौकरी न मिलने के कारण मजदूरी करने को मजबूर हैं। आजकल धान के सीजन में वह खेतों में धान लगाकर अपना परिवार चला रहे हैं। नौजवानों ने बताया कि अगर इतना पढ़ लिख कर भी उन्होंने मजदूरी करनी थी तो अब पढ़ाई पर इतना खर्च ना करते। उन्होंने कहा कि वह गरीब परिवार से संबंधित है, इसलिए मजदूरी कर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, मगर उसका फल मिलने की वजह अब 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करने को मजबूर है। की नाम है सर? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है जी। मैं बीए, बीएड, एमए, एमएड चल रही है, पीटेट क्लियर है जी। तो असी पंजाब सरकार तो नौकरी की मांग करते हैं। असी बी एड की भी देश का भविख उसार सकीए, चंगा साडा जिहड़ा जीवन निर्वाह हो सके, पर सरकार 4.5 साल हो गए सरकार आईया। जो सरकार सत्ता दे विच आई थी तो घर घर नौकरी का वादा करके आई सी, पर कोई नौकरी नहीं दिती। ये नौकरी जिहड़ी घर घर नौकरी सिर्फ कांग्रसियों के घर तक ही सीमित रहेगी। जिहड़े साडे वर्गे 10-15 हज़ार रुपया ला के असी अपना टैसट क्लीयर किए ने, उन्हां दी कोई पुछ प्रतीत नहीं। तो जो अनपढ़ संसद मैंबर ने इन्हां दे कांग्रसियां दे ते उन्हां दे बेटियां नूं, बेटे बेटियां नूं डीसी, तहसीलदार, इंस्पैक्टर लाया जा रहा है, तो साडे वर्गे जिहड़े टैसट क्लीयर नौजवान ने काबिलियत जिन्हां नूं कोई टैलेंट दिखाउण दा मौका नहीं। जीत की कहोगे, झोना लाउणा पै रिहा है, इन्ना पढ़े भी हो, की कहोगे? सर मैं सरकार को कहना चाहना कि साडे वर्गे जो गरीब मजदूर ने मतलब गरीब घर चो उठे हैं जी, बी ए बी एड की है, तो असी सी टैट पी टैट वर्गे 15-15, 16-16 घंटे पढ़ के टैसट क्लीयर किए ने, सानू उदे अकॉर्डिंग नौकरी देने, क्योंकि असी जिहड़ी सरकार है वह दलितों के नाते पत्ता खेड़ रही है लगातार, तो बैकलॉग तो सुपर स्मार्ट स्कूल वगैरह बना रही है ना, वो असल च है कुछ नहीं गा, वो लगातार इन्हों 5-5 स्कूलों खत्म करके एक बना रही है, जो कि मैं लगता भी सुपर स्मार्ट स्कूल है, वो तो ओवर स्मार्ट हो गए, तो जिहड़ा घर घर नौकरी का वादा है तो आपके घर ही नौकरियां दी जाते आपके विधायकों खुश करने वास्ते, तो साडे वर्गे गरीब मजदूर ने मतलब जिहड़े घर उठे हुए पढ़े लिखे नौजवान ने वह झोना लाने लई मजबूर ने दिहाड़ियां करन लई जां फिर वेटर नाल जां मंडियां दे सीजन तक इन्होंने सीमित करते, जो कि यह घर घर नौकरी का वादा कहा सी इन्हां ने 2017 दे विच। सानू ऐसी भी चल जो कैप्टन सरकार बनेगी तो जो जिन्हें भी मेरे लिंक च बंदे ने है ना, असं सारे ने इकट्ठे होकर एक गल रखी भी यार आपां घर घर रुजगार की गल कर रहे, हो सकता भी रुजगार दे देन, पर सानू अज 4.5 साल हो गए कोई रुजगार नहीं मिलिया, कोई पोस्ट नहीं कढ़ी इन्हां ने, तो साडे वर्गे जिहड़े सड़कां ते रुलण लई मजबूर ने, साडे वर्गे लोग मतलब सब्जियां दी रेहड़ियां जां कुलचियां दी रेहड़ियां ला रहे नेगे, तो ये आपके विधायकों खुश करने लई उन्हां नूं नौकरियां दे रहे ने, जबकि साडे वर्गे मतलब दिहाड़ियां करन दे लई मजबूर ने जां फिर झोने लाने लई मजबूर ने, तो इन्हां दे फोके वादियां दी ये फूक कढ़दियां ने ये गल्लां भी ये कोई इन्होंने कोई रुजगार नहीं दिता, कोई 17 लाख नौकरी नहीं दिती, जे 17 लाख नौकरी दिती हुंदी तां अज असीं झोना ना लाउंदे हुंदे शायद। मैनूं लगता भी ये जिहड़ा झोने वाला इहनूं भी हुण नौकरी कहिंदे ने, जां पकौड़ियां दी रेहड़ी लाउण वाले नूं भी ये नौकरी च विद्दे ने है ना, भी मैनूं लगता भी इन्हां ने 17 लाख नौकरी वो सारे पंजाब नूं पता जे दिती हुंदी तां उहदे विच घट्टो घट्ट असी भी तो होंगी फिर 17 लाख नौकरी चाह असी कौन है ना, साडे वर्गे लोग फैक्ट्रिया च लगते हैं 5-5, 7-7 हज़ार से, तो साडा देखो कम करना कोई माड़ा नहीं है ना, कोई मर्जी कम करो, पर यार इदा तो नहीं है भी मतलब अभी अह इन पढ़ाइया करके तो यह दिहाड़ियाँ करिए, सू बिल्कुल ये चीज़ा वधिया नहीं लगदियां हैगियां, तां सानूं बणदा साडा रुजगार दिता जाए, सानूं 20 तों 22 हज़ार वैकेंसी का नोटिफिकेशन पंजाबी हिंदी SST का जल्दी तो जल्दी जारी करनी।